प्रणाम अहाँ सब गोटे के हम संजय कुमार और स्वागत है हमारे डेली व्यू चैनल पर। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे डेली व्यू चैनल पे। हम जो आप लोगों को श्योर सक्सेस क्लासेस का एक वीडियो दिए थे आप सबों के लिए, तो उसका क्लास जो मैंने कहा था 16 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, वो आज है। तो 16 तारीख आज है, तो आज से वो स्टार्ट होने वाला है। ये देखिए, हमको क्लास का पास मिल गया है, जो इस क्लास में एंट्री हो जाएगी। हम लोग उसी दिन एडमिशन ले लिए थे, तो आज जा रहे हैं क्लास करने के लिए। देखेंगे क्लास में कैसा अरेंजमेंट है और कैसे सर आज 6 घंटे कंटिन्यू क्लास जो है, तो कैसे सर ले चलते हैं 6 घंटे, हम लोग ट्रेवल कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, उतना देर बैठ पाते हैं या नहीं बैठ पाते हैं, और 6 घंटे में कितना क्या पढ़ाते हैं और पढ़ाने का मेथड क्या है सर का, हम सब का व्यू आपको बताएंगे। आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, और अगर ज़्यादा अपडेट चाहिए श्योर सक्सेस क्लासेस का, तो आप मुझे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ आप जो भी डाउट पूछोगे वो मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए चलते हैं। वो श्योर सक्सेस एकेडमी का खदानची रोड में है, इसका हेड ऑफिस तो यही है राजेंद्र नगर के पास, लेकिन जो क्लास होगी वो खदानची रोड में होगी। तो हम लोग जाएंगे अभी खदानची रोड, और खदानची रोड में ही क्लास होगी, तो चलते हैं खदानची रोड की तरफ और लेते हैं आज 6 घंटे क्लास का मजा। चलिए चलते हैं मेरे साथ, वीडियो में बने रहिए, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए चलते हैं खदानची रोड। दार दिखाई है तो सुजी सर पक्का सिलेक्शन। एक बार सोचने के लिए मजबूर किया हूं,
सोचिएगा, दुनिया में कोई आपकी सिलेक्शन का इंतजार करे या ना करे, दो इंसान जो आज भी इंतजार कर रहा है, एक सुजीत सर, दूसरा आपके माँ बाप, तीसरा कोई इंसान नहीं है, बाकी तो सब तमाशा बनाने लगा हुआ। जल्दी गांव आइए, आपकी पृष्ठभूमि तय होगी, कुछ मुद्दा मिल जाए। अरे हम करते थे शर्मा जी की बेटियां नहीं पास करेगी, ऐसे ही घुमा दिए। थोड़ा सा सजग रहिएगा, ठीक है। इसमें से कुछ कुछ चैप्टर को ही सिलेक्ट किया गया है जो आपके काम पार्ट ऑफ व्यू से क्या है महत्वपूर्ण। पहले सुन लीजिए फिर लेके हमारे अंदर क्या हुआ होगा, जैसा उनको सर पूछ दिया, हम सर झुका के पीछे खड़े हो गए कि हमको जवाब देने नहीं आता, हम आपको तैयार कर रहे हैं ना, हम इसलिए बनाएंगे ना। ये आपसे पहले मेरे ऊपर कटाक्ष हुआ, हमने कुछ बोला सम्मान दिया ना, इनका बोलने का काम है, हमें प्रूफ करके दिखाने का काम है। लेकर जाएंगे और वहां बोलिएगा इसको कहते हैं एसडीएम का पावर। हर चीज को जवाब से थोड़ी दिया था, इंसान है ना, हर चीज को समय पे जवाब दिया जाए और सुलग सही जवाब दिया जाए, तब सामने वाले की धारणा हिलती है। क्या काम है बेचारे का, करने दीजिए ना, हमारा काम है सुनना, सुनने दीजिए ना, ये भी बेचारा घर चला रहा है और हम बात को हटा दीजिए। आपने जिस तरह का वाक्य का प्रयोग किया सिविल सर्विसेज में, ऐसे वाक्य का प्रयोग हम लोग नहीं करते, हम लोग एक्साइटेड होते हैं, गुस्सा भी निकालते हैं, लेकिन तर्क से क्रोध से नहीं ना करते हैं। आप किसी एसडीएम को देखिए कि मां गुस्सा ये वो कर रहा हो और जिसने थप्पड़ चलाया वो एसडीएम बच्चा नहीं है, वो उस पद से हटा दिया गया, हम लोग भी तो नहीं कर रहे। आप जाके उसको हाथ से ले सकते, ठीक है, समाप्त करें मंत्र। फाइनली मैं आ गया घर, 9:30 बज रहे हैं, आते आते 9:30 बज गया। आज क्लास में तो बहुत हंगामा हुआ था, एक यूट्यूब चैनल वाला आ गया था सर का इंटरव्यू लेने के लिए, तो उसी चक्कर में हो गया जो बहुत पंगा हो गया, बच्चे सबसे भी भिड़ंत हो गए, कहा सुनी हो गया लड़के सबसे, ऐसे हुआ था। वो बोल रहा था, बोला पहले स्टार्टिंग ही किया था, जो बिहार में जो लड़के या तो UPSC पास करते हैं या बंदूक लेके खड़े हो जाते हैं, स्टूडेंट सब तन गए थे उस पर, और बहुत चीज ऐसे बोला जो उनको नहीं बोलना चाहिए था। सबसे यही पूछता था, जो UPSC पास नहीं हो पाया तो अब क्या कीजिएगा, गोबर पाथिएगा तो वहाँ जाके क्या कीजिएगा, बेरोजगार हो जाएगा, क्या ऑप्शन है, इसी सब को लेकर उनसे बहुत बात हुई। बाद में सर को 20 को जमा करने के लिए आना पड़ा, बहुत हंगामा हुआ। लेकिन आज का जो क्लास था, पहले 12 का क्लास था, इसके बाद सर दीपक सर पॉलिटिक्स का क्लास हुई, दोनों क्लास बढ़िया रहा, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। जो सर रिविजन करवाते हैं तो सही करवाते हैं, जो जितना 16 दिन का सर बताया उतना दिन पूरा सब और सब्जेक्ट रिविजन करवा देंगे, तो आप भी आके ज्वाइन कर सकते हैं। 151 फीस है, वही खदानी रोड में इसका सेंटर है, हम सारा वहाँ का लोकेशन आपको बता देंगे, और वहाँ जो स्कूल में सर क्लास लिए हैं उसका भी हम बता देते हैं, तो आप भी आकर ज्वाइन कीजिए। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको ऐसा स्टूडियो ले जाएंगे जहाँ आपको बहुत मज़ा आने वाला है, वो भी UPSC के लिए ही रहेगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ले चलेंगे किसी और इंस्टीट्यूट का व्यू दिखाएंगे, और वहाँ की क्या फैसिलिटी है, क्या कितनी क्या फैसिलिटी मिलती है, नोट्स मिलती है कि नहीं मिलती है, और कितना घंटा का टाइम मिलेगा, ये सब हम बताएंगे दूसरे वीडियो में। तो
अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंस्टीट्यूट का व्यू लेके। बाय बाय।